इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बाजारों के प्रकार तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बाजारों के प्रकार तथा उनकी विशेषताएं। सबसे पहले हम बाजार की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, बाजार की क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में जानेंगे, बाजारों के प्रकार तथा बाजारों में अंतर। बाजार का अर्थ तथा परिभाषा। बाजार का अर्थ, साधारण भाषा में बाजार एक विशेष स्थान को संबोधित करता है जहां पर क्रेता तथा विक्रेता भौतिक रूप में वस्तुएं खरीदने तथा बेचने के लिए मिलते हैं, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक बाजार आदि। अर्थशास्त्र में बाजार किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं बल्कि उस पूरे क्षेत्र से संबंध रखता है जहां क्रेता विक्रेता आपस में मिलते हैं अथवा संबंध स्थापित करते हैं। उनका यह संबंध भौतिक रूप में हो सकता है अथवा संचार के विभिन्न साधनों जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स आदि के द्वारा भी हो सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। बाजार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। क्षेत्र, बाजार किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है बल्कि उस सारे क्षेत्र से संबंध रखता है जहां क्रेता व विक्रेता एक दूसरे से भौतिक रूप से अथवा संसार के किसी और साधन से संबंध स्थापित कर सकते हैं। वस्तु, बाजार में किसी वस्तु का लेन देन होना आवश्यक होता है जैसे पुस्तक, टीवी आदि। क्रेता तथा विक्रेता, बाजार में क्रेता व विक्रेता दोनों पक्ष का होना आवश्यक होता है। इनमें से किसी एक पक्ष का ना होना बाजार नहीं हो सकता। स्वतंत्र प्रतियोगिता, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे वस्तु का उचित मूल्य निर्धारित होता है। प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजारों को 6 भागों में बांटते हैं जिसमें से 4 प्रमुख हैं। पहला पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार प्रतियोगिता, तीसरा एकाधिकारी प्रतियोगिता और चौथा अल्पाधिकार प्रतियोगिता। ये 4 मुख्य बाजार हैं। इसके अतिरिक्त 2 बाजार और होते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता और द्विअधिकार प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है तो उसे पूर्ण बाजार कहते हैं। पूर्ण बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे क्रेता विक्रेताओं की बहुत ज्यादा संख्या होती है और क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान भी होता है। बाजार में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं, एक ही प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। आपने देखा यहाँ पे कोलगेट भी है, क्लोजअप भी है, लगभग एक जैसी है और वस्तुओं का मूल्य भी लगभग एक जैसा ही होता है। यहाँ वस्तुओं का मूल्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। फर्मों का बाजार में प्रवेश तथा बाहर जाने की पूरी आजादी होती है। कोई भी फर्म आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकती है और बाजार में आसानी से जा सकती है। उत्पत्ति के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं। उत्पत्ति के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। ये चारों उत्पादन के साधन है और ये गतिशील होते हैं। इनको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता व्यावहारिक जगत में नहीं पाई जाती है। यह एक प्रकार की काल्पनिक विचारधारा है। अपूर्ण प्रतियोगिता, जब किसी बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है तो उसे अपूर्ण बाजार कहते हैं। अपूर्ण बाजार में क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है।
क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान भी नहीं होता। बाजार में समरूप वस्तु नहीं पाई जाती, अर्थात बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। वस्तुओं के मूल्य में भी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए उनके जो कीमत है उनमें भी अंतर पाया जाता है। फर्मों का बाजार में प्रवेश तथा बाहर निकलने की कोई आजादी नहीं होती, इसमें ना तो कोई फर्म आ सकती है और ना ही जा सकती है। उत्पत्ति के साधन पूर्ण गतिशील नहीं होते, जो हमारे उत्पादन के साधन है भूमि श्रम पूंजी संगठन, ये पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करने में कठिनाई आती है। यह प्रतियोगिता व्यवहारिक जगत में पाई जाती है, अर्थात अपूर्ण प्रतियोगिता हर देश में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में पाई जाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता उस प्रतियोगिता को कहते हैं जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इसमें वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है। क्रेता विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं रहता, विक्रेता का मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बाजारों में फर्म का प्रवेश व बाहर निकलने का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसमें आप देख रहे कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूरी छूट होती है कि कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है और जब चाहे बाजार को छोड़कर बाहर जा सकती है, और गैर कीमत प्रतियोगिता इसमें पाई जाती है। एकाधिकार प्रतियोगिता, किसी बाजार में एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है तो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। एकाधिकार में किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक तथा विक्रेता होता है, उसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी स्तनपान वस्तुएं उपलब्ध ना हो। जैसे भारत में सरकार द्वारा रेल का संचालन तथा किसी अन्य निजी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि भारत में रेल का संचालन कर सके। बाजार में नए फर्मों का प्रवेश पूर्ण प्रतिबंध होता है। कोई भी फर्म बाजार में ना तो प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। अथवा मांग की लोच एकाधिकार प्रतियोगिता में शून्य होती है। और एकाधिकार प्रतियोगिता के कुछ उदाहरण जैसे सहकारी विभाग, सरकार के फर्म आदि। अल्पाधिकार प्रतियोगिता, यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के उत्पादों विक्रेताओं की संख्या कम होती है और वो एक दूसरे की कार्रवाई को प्रभावित करते हैं। अल्पाधिकार बाजार में एक रूप या भेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं या एक रूप वाली वस्तुएं हैं जिनमें ज्यादा अंतर नहीं है, और भेदित वस्तुएं इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। वस्तुओं की कीमतों में विभिन्नता ज्यादा नहीं पाई जाती। फर्मों का बाजार में प्रवेश व बाहर निकलना कठिन होता है। विज्ञापन के माध्यम से बिक्री बढ़ाने की क्रियाएं अधिक होती हैं। अल्पाधिकार प्रतियोगिता में न्यूज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो उत्पादक होते हैं वो अपनी बिक्री अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। द्विअधिकार प्रतियोगिता, द्विअधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के केवल दो उत्पादक होते हैं और दोनों एक ही वस्तु को बेचते हैं। दोनों उत्पादकों की वस्तुएं प्राय एक रूप होती, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक ही वस्तु है और उसके दो उत्पादक हैं। एक उदाहरण लेते हैं, भारत में इंडियन ऑयल और भारत गैस कंपनी दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं और दोनों ही गैस का उत्पादन करती हैं और दोनों ही उत्पादन कार्य में स्वतंत्र हैं।
और एक दूसरे से प्रतियोगिता भी करती हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, संसार की दो सबसे बड़ी कंपनियां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हैं और दोनों ही बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा निर्यात करती हैं। पूर्ण अपूर्ण तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या अंतर है, इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। पहले कॉलम में हमने पूर्ण प्रतियोगिता को लिया है, दूसरे कॉलम में हमने अपूर्ण प्रतियोगिता को और तीसरे कॉलम में हमने एकाधिकार को लिया है। तो सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। अपूर्ण में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है और एकाधिकार में क्रेता अधिक होते हैं और विक्रेता केवल एक ही होता है, अर्थात बेचने वाला केवल एक होता है। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में। अपूर्ण में क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है और एकाधिकार में क्रेता विक्रेताओं को भी बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। वस्तुओं में एक रूपता पाई जाती है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। अपूर्ण में वस्तुओं में विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। और एकाधिकार में वस्तु का कोई निकट संपन्न नहीं होता, अर्थात एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेता केवल उसी वस्तु का निर्माण करता है जिसके रूप में अन्य और वस्तु उपलब्ध मार्केट में नहीं होती है। उत्पादन के साधन पूरे गतिशील होते हैं, भूमि श्रम पूंजी संगठन। उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशील इसमें नहीं होते और इसमें भी उत्पादन के साधन गतिशील नहीं होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रतियोगिता होती है आपस में विक्रेताओं के बीच। अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य पर थोड़ा आंशिक नियंत्रण रहता है और विक्रेताओं का मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही विक्रेता होता है, इसलिए वो वस्तु की पूर्ति पर भी और उसके मूल्य पर भी पूरा नियंत्रण रखता है। बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता इसमें नहीं पाई जाती है। बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है और एकाधिकार में भी गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। बाजार में फर्मों का प्रवेश व बाजार छोड़कर जाना आसान नहीं होता है। बाजार में फर्मों का प्रवेश और बाजार छोड़कर जाना कठिन होता है हर एक फर्म के लिए। और एकाधिकार में बाजारों में फर्मों का प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है, अर्थात एक ही विक्रेता होता है जिसके कारण वह अन्य फर्मों को बाजार में आने पर रोकता है। इसमें एक फर्म के लिए मांग रेखा या औसत रेखा पूर्णतः लोचदार अर्थात पड़ी रेखा होती है, जिसको हम रेखा चित्र से समझ सकते हैं। इसमें AR औसत आय सीमांत आय के बराबर है, अर्थात इसमें औसत रेखा और सीमांत आय के साथ एक पड़ी हुई रेखा के रूप में दिखाई दे रही है, इसलिए ED बराबर 1 इसका समीकरण यहां पर होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता इसमें एक फर्म के लिए मांग रेखा पूर्णतः लोचदार से कम अर्थात बाएं से नीचे की ओर गिरती हुई होती है। चित्र में देखिए, इसमें MR AR से नीचे की ओर है, अर्थात जो रेखा हमारी बाएं से नीचे की ओर गिरती हुई दिख रही है, ये यहां से नीचे की ओर जा रही है, इसलिए इसमें ED लेस देन 1 होगा। एकाधिकार इसमें एक फर्म के लिए मांग रेखा पूर्णतः लोचदार से कम अर्थात बाएं से नीचे की ओर गिरती हुई होती है, इसका रेखा चित्र इस प्रकार बनेगा। इसमें MR AR से और अधिक नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये और अधिक गिरा हुआ है, ED लेस देन 1 होगा इसका समीकरण।
एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है, इसके बारे में हम यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम एकाधिकारी को लेते। एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है, जबकि एकाधिकार में क्रेता अधिक और विक्रेता केवल एक ही होता है। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता, इसमें भी क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है। एकाधिकार में वस्तुओं में विभिन्नता नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें एक ही विक्रेता होता है, वो एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। विक्रेता का मूल्य पर थोड़ा आंशिक नियंत्रण होता है। एकाधिकार में विक्रेताओं का मूल्य पर पूरा नियंत्रण होता है क्योंकि इसमें एक ही उत्पादक है वो, और वो एक ही वस्तु का निर्माण करता है, जिससे पूर्ति पर भी उसका नियंत्रण रहता है, इसलिए मूल्य पर भी उसका नियंत्रण होता है। बाजारों में फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता होती है, कोई भी फर्म बाजार में आ सकती है और जा सकती है। इसके विपरीत एकाधिकार में फर्मों का पूर्णतः प्रतिबंधित होता है प्रवेश, बाजार में फर्म प्रवेश नहीं कर पाती है। फर्म स्वयं कीमत का इसमें निर्धारण करती है। फर्मों का वस्तु की कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए एकाधिकार स्वयं वस्तु की कीमत का निर्धारण। एकाधिकारी में विक्रय लागतें पाई जाती हैं। एकाधिकार में विक्रय लागतें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। एकाधिकारी में रेखाचित्र इस प्रकार बनेगा, जिसमें आपका MR AR से गिरता हुआ दिखाई देगा, इसमें दोनों रेखा गिरती हुई हैं, अर्थात ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देंगी, इसलिए इसका रेखाचित्र ED <1> बनेगा। इसी प्रकार एकाधिकार में AR MR दोनों गिरती हुई रेखा है, लेकिन MR AR से अधिक मात्रा में नीचे को गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें ED <1> होगा, इसका समीकरण ED <1> होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।